नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर। आज आपको मीठे पुए यानी गुलगुले बनाने की विधि बता रही हूँ। और जो ये गुलगुले और पुए हैं वो हम गेहूं के आटे और शक्कर के द्वारा बनाएंगे। अब मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। मीठे पुए के लिए हमने एक कटोरी और एक और कटोरी यानी दो कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है, मतलब 200 ग्राम के करीब है, और 1/4 कटोरी यानी 50 ग्राम शक्कर और बिल्कुल कम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अब हम इसका घोल बना लेंगे मीठे पुए के लिए। मीठे पुए के घोल के लिए हमने आटा, शक्कर और इलायची पाउडर डाल रखा है, और अब हम इसको पानी से इसका घोल बना लेंगे। मीठे पुए या गुलगुले का घोल बिल्कुल तैयार है। और अब हम मीठे पुए या तो चम्मच से भी डाल सकते हैं और हाथ से भी डाल सकते हैं। और तेल गरम है, हम इसमें जो जितने बड़े हमको पुए खाने हैं, बड़ी साइज के खाने हैं तो चम्मच से डालेंगे, और नहीं तो हम हाथ से इनको डाल। पांच से छह मिनट में ये गुलगुले यानी पुए पूरे अच्छे सिक चुके। मैंने पहले फ्लेम कम कर रखी थी, फिर हाई फ्लेम पर ही हम इनको पकाते हैं। जैसे कि हम पूरी बनाते हैं ना, वैसे ही जो पुए, मीठे पुए या गुलगुले, ये भी हम हाई फ्लेम पर ही बनाते हैं। नहीं तो ये एक दूसरे में घुल मिल करके और बिल्कुल चीठे यानी बहुत टाइट बनते हैं, और अगर हम हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो ये फूले हुए बनते हैं। तरह से मीठे पुए यानी गुलगुले कंप्लीट होते हैं। और हम इनको तोड़ के देखते हैं तो बिल्कुल अंदर इसमें बहुत जाली जाली होती है और बहुत ही ये सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल हवा जैसी भरी हुई होती है ये, इस तरह से। तो ये इस तरह से कंप्लीट होते हैं।